आज बनेगा ब्लैक फॉरेस्ट ट्राइफल। फिर हम आ रहे हैं अपनी ब्लैक फॉरेस्ट ट्राइफल की तरफ। ब्लैक फॉरेस्ट ट्राइफल के लिए आपको एक सिरप बनाना है, ठीक है। सिरप आप कैसे बनाएंगे? पाइनएप्पल जूस है मेरे पास ये रखा हुआ। पाइनएप्पल जूस में मैं शामिल करूँगी चीनी और थोड़ा सा पानी। पानी लूंगी मैं आधा कप पाइनएप्पल जूस। अच्छा, ये जो पाइनएप्पल का टिन होता है जिसमें पाइनएप्पल क्यूब्स होते हैं, चंक्स होते हैं, उसका सिरप नहीं है ये, वो नहीं है, ये पाइनएप्पल जूस है। टेट्रा पैक में आता है पाइनएप्पल जूस, वो आपको लेना है। हाफ कप आपने ले लिया पाइनएप्पल जूस और इसमें आप चीनी डालेंगे और इसका आप बनाएंगे शीरा। चीनी जाएगी इसमें 3/4 कप। हाफ कप वाटर, हाफ कप पाइनएप्पल जूस एंड 3/4 कप शुगर, इसका आप बना लीजिए शीरा। अब हमको करना क्या है, हमें अपने ट्राइफल बोल में ब्राउनीज के चंक डालने हैं। तो आप अगर वाइट फॉरेस्ट ट्राइफल बना रहे हैं तो आप फिर प्लेन केक के साथ बना लो, और ये जो चॉकलेट मेरे पास रखी हुई है उसके बजाय आप वाइट चॉकलेट का दुकश कर लो। चार से छह पीस आप ब्राउनीज के ले लीजिए। मोटे मोटे चंक्स काट लें। मिक्स फ्रूट कॉकटेल हम यूज करेंगे इटालिया का। एक डब्बा हम चेरीज का यूज करेंगे इटालिया का। ले लीजिए आपकी मर्जी। मसाला बॉनिंग बन रहा है ब्लैक फॉरेस्ट ट्राइफल, और इसके लिए हमने 4 से 6 ब्राउनीज ले ली। एक ट्राइफल के एक मोल्ड में आपने उसको बोल में डाल दिया स्टैंडिंग उसमें, और आपने उसको मोटे मोटे चंक्स कर लिए। अब जो आपने शीरा बनाया था इससे आपको ये ब्राउनीज को सोक करना है, अच्छी तरह करना है लैविशली। इस अगर आपके घर में बड़ी दावत है, लोग ज़्यादा है, 20-25 लोगों की दावत, तो आप इस रेसिपी को डबल करेंगे लेकिन 2 लेयर्स में बनाएंगे। फिर 6 ब्राउनी नीचे डालिएगा, 6 की लेयर वापस ऊपर से बनाएंगे। बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। और ये अच्छा थोड़ा ज़्यादा डालिएगा ताकि ये आपकी जो ब्राउनीज है अच्छी सॉफ्ट सोक हो जाए। अच्छी तरह हो गई सोक, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी सिरप, के बाद मैं इसमें डालूँगी फ्रूट कॉकटेल और चेरीज। दोनों चीज़ें हम इटालिया की यूज़ कर रहे हैं। पता है मेरा क्या दिल चाह रहा है, यहाँ से मैं ये फ्रूट ऑफ द फॉरेस्ट उठाऊं और इसका पैकेट खोल के मैं इसमें डालूं, लेकिन फिर टू मच फ्रूट हो जाएगा। मैं कराती हूँ कुछ इससे, बिकॉज मैं आई लव ब्लूबेरीज, और मैं ब्लूबेरी से आपको ज़रूर एक मीठा और मिक्स बेरी से कराऊंगी, जल्द कराती हूँ। कोई एक रेसिपी बीच में ऐड कर दूँगी। इटालिया की चेरीज,
वो करना है तो वो उसका सीड निकाल के डाल दीजिए। हेलो रंजीता। हेलो हेलो रंजीता। हेलो जी हेलो 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 हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी जान, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा। आज आप बहुत हसीन लग रही हैं, खूबसूरत लग रही हैं। नजर उतार लीजिएगा अपनी, एंड आपने एक एक जो भी हमें मॉरल प्रीच किया, दैट इज हार्ड रियलिटी ऑफ लाइफ। बस सब गलतियां हमारी होती हैं, तभी दुख मिलता है हमको। बट जैसा आपने सिखाया वैसा तैयार करेंगे कि अगला साल अच्छा निकले। आमीन। जी जी जी। और अपना ख्याल रखिए, ढेर सारी दुआएं एंड लोड्स एंड लोड्स ऑफ लव फॉर यू। कि आप अपने खाना तो बनाना सिखाती हैं, बट जिंदगी जीनी है उसका तरीका भी सिखाती हैं, एक बिल्कुल माँ के जैसे। एंड लास्टली बिफोर पुटिंग द फोन डाउन, मिलियंस ऑफ बेस्ट विशेस फॉर फारूक भाई। ही इज इंडीड अ वेरी गुड ब्रदर एंड अ फ्रेंड इन फैक्ट, एंड loads and loads of best wishes for his life ahead. Subhameen, khyal rakhi aunty jaan, and once again pata nahi kal to Saturday aapko call to karenge nahi, but happy new year to you, to your team and to your entire family. Love you. Thank you beta, thank you, same to you beta. अल्लाह आपकी भी तमाम मुश्किलों को आसान करे। आने वाला साल आपके लिए भी बहुत अच्छा साबित हो। रही है क्रीम, कॉलर हैं। ओ माय गॉड, कनाडा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र नूरजहां, आप कैसी हैं? बस आपकी दुआएं मामा। अल्लाह का बहुत शुक्र। जी शुक्र अल्लाह का। और आज फारूक साहब का बर्थडे है, उनको भी विश करना, और मेमुना का ग्रैंडसन है हारिस, उसको विश करना है। तो अभी इसीलिए जाग रही थी, मैंने कहा विश करूं फिर जाके सोऊं। बड़ी मुश्किल से लाइन ये, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ओके ओके। और सब खैरियत है आपके साथ? हाँ जी ठीक है। आप अपनी तरफ से वहाँ से अपनी आवाज में बोल देते, वो छोटा लास्ट टाइम भी बहुत इंतजार कर ओके, था। ओके, अपने ओके, ओके 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 प्रोग्राम नहीं देखती ना यहाँ से। ठीक है, आई विल नूरजहां, थैंक यू फॉर कॉलिंग। ओके थैंक यू, खुदा हाफिज़। नहीं, दूर दूर से आप लोग फ़ोन करते हैं, बड़ी बड़ी मेहरबानी, रियली बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, हैप्पी बर्थडे टू यू हारिस, लॉट्स ऑफ लव फॉर यू फ्रॉम मी एंड फ्रॉम नूरजहां। कनाडा में जो हैं, बहुत बहुत मुबारक आपको बेटा, इन्जॉय योर डे, और अल्लाह ताला आपको बहुत बड़ी ज़िंदगी दे सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। आमीन। अच्छा जी, देखा हमने क्रीम डाल दिया। अब क्रीम के बाद हम इस पे सेकेंड लेयर डाल रहे हैं वापस से फ्रूट की। पानी नहीं, इसका सिरप नहीं चाहिए। और फिर क्रीम से कवर। कितना आसान है, आप ये देखो, आपके घर कोई मेहमान आ रहा है और आपने ये फटाफट से बना दिया, इसमें है क्या? ठीक है, फिर आप इसको कवर करेंगे क्रीम से। कोई डेकोरेशन नहीं है इसका, इसमें कोई पाइपिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। और क्रीम ये विपी विप की है, मीठी है, इसलिए मैंने इसमें कोई कंडेंस मिल्क नहीं डाला है, कुछ भी नहीं। और इटालिया के फ्रूट्स भी सारे स्वीटन्ड हैं, चेरीज भी और ये सब भी, और उसके अलावा चॉकलेट डल रही है। ठीक है, अब ये देखें, बस लास्ट स्टेप रह गया इसका। इसको हम फिनिश किस तरह करेंगे? ठीक है, इसको हम पूरे को भरेंगे चॉकलेट से। जो जिनको चॉकलेट नहीं पसंद है, वो वाइट चॉकलेट से बनाए, बहुत अच्छा बनता है, वाइट फॉरेस्ट ट्राइफल। ठीक है, ये हमने भर दिया। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे चेरीज। हमारा ब्लैक फॉरेस्ट ट्राइफल रेडी है। टू फिनिश इसको किस तरह करेंगे हम, ये फ्रेश ट्रीट का चॉकलेट सिरप लेंगे और इस पे हम ठीक है चल, अब इसको हम रख देते हैं चिल्ड होने के लिए फ्रीजर में।